और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमल, वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज किस बारे में हम बात कर रहे हैं? आज हम बड़े अहम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हर शख्स दुखी है, शिकायत करता नजर आता है कि वक्त नहीं है और वक्त किधर से लेके आए, काम कैसे करें। वक्त तो 24 घंटे ही रहना है और कई दफा हम ज्यादा परेशान तब भी हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि उन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग बहुत अच्छे काम या बहुत ज्यादा काम करते नजर आते हैं और हमें समझ नहीं आती कि भी मेरे पास क्यों नहीं वक्त बचता और वो लोग कैसे जो हैं बहुत से काम जो हैं कर लेते हैं। तो वक्त के बारे में जो है जानना जरूरी है। जैसे स्पेशली कल हमने बात की थी काहली और सुस्ती और किस तरह से हम लोग अपना टाइम जो है वेस्ट कर देते हैं और क्या क्या उसमें फैक्टर्स हैं। तो वक्त का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इसको उस नज़र से देखें कि ये कितना एक कीमती सरमाया है जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है और इसे हम दुनिया और आखिरत के लिए क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि वक्त हर एक के लिए एक मसला बना हुआ है। अगर आप मर्द हजरात को देखें तो उन्होंने अपनी ऑफिस के कामों को वो भी हैंडल करना है, उनकी डेडलाइंस है, अपनी घर को मैनेज करना है, यानी कि जाहिर घर वालों की तवक्कोआत हैं, और फिर अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना है। जो मैरिड लोग हैं खासतौर पर उनको ये भी मसला होता है कि अपनी फैमिली को भी दें, ये भी दें, और फिर अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी भी जरूरियात को कैसे पूरा करें। खवातीन को आप देखें तो उन्होंने बच्चे, घर, बच्चों का होमवर्क, किचन, फिर इसके अलावा बाकी जितनी आपकी घरदारी की चीज़ें हैं, आपकी मेरे जैसे कोई वर्किंग है तो उसके ऊपर एक और लोड है कि उसने वो भी देखना है अपना जॉब और उसने बाकी भी चीजें मैनेज करनी है। बिल्कुल। और उसने भी इसी तरह ससुराल मैके को भी मैनेज करते चले जाना है। आप टीनेजर्स को देख लें, उनके पास एक अपना लोड नजर आता है और उनके लोड में भी यही है कि उन्होंने स्टडीज और उनकी जो जो ख्वाहिशात हैं, क्योंकि जवानी में तो फिर ऐसी ऐसी ख्वाहिशात हैं, वो बेचारे कैसे पूरा करें, कैसे मैनेज करें। ये छोटा सा बच्चा भी देख लें तो उस पर भी देख के मुझे कई दफा तरस आता है कि जाहिर है वो मदर्स उनके ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि अब पढ़ा नहीं, अब सोया नहीं, लेकिन वो भी वक्त ही है कि उनको भी नहीं समझ आ रही कि हमने किस वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो वक्त जो है उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम देखते हैं कि कुरान पाक में वक्त के बारे में बहुत कुछ बताया गया है हमें। बार बार अल्लाह ताला जहाँ कायनात के निशानियों की बात करते हैं, ये सूरज और ये चांद, और साथ साथ हमें बताते हैं क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, तो उनमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं कि वक्त का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन सबसे खूबसूरत जो मुझे चीज लगती है, मुझे सूरत अल असर लगती है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि इतनी टाइम मैनेजमेंट पे बुक्स हैं, इतनी वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेकिन जो मैसेज अल्लाह ताला ने उसमें दे दिया ना, वो हमें कहीं नजर नहीं आता। और उसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह से इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर, जमाने की कसम, और जमाना भी कौन सा, असर के वक्त का ना, ढलता हुआ वक्त। मेन आपका टाइम गुजर चुका है, सब परेशान हैं कि अच्छा भाई इतना तो वक्त जाया कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है, उसको सही इस्तेमाल कर लो। और खसारे में हैं वो लोग सवाए उन लोगों के जिनके पास, अब आगे की जो आयात है उसमें आ रहा है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासव बिल हक व तवासव बिस सब्र। दो क्वालिटीज जो कि आपकी अपनी पर्सनल जात के लिए हैं, कौन सी, ईमान और अमले सौले, और दो क्वालिटीज जो कि आपकी ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ है, लोगों के साथ आपकी मरबूत हैं, वो कौन सी है, हक और सबर। अगर इनका इंसान ताल्लुक समझ जाए ना तो बिलीव मी कि आपको टाइम मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। सही। अब उसमें कैसे है, मसलन पहली चीज ईमान, आप कोई भी काम करें उसमें आप अल्लाह ताला की जात को शामिल रखें, उससे क्या होगा कि आपके टाइम वेस्टर्स निकल जाएंगे, आपके बहुत से गलत चीजें कम हो जाएंगी। और एक ये जो बरकत का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत आता है इसमें, क्योंकि आप अदरवाइज देखें कि हम बहुत से काम करते हैं, हमें कोई चीज ऐसी नहीं महसूस होती। तो अल्लाह की खातिर करना, खालिस अल्लाह की खातिर जो है वो चीज करना, ईमान हमें ये बताता है। और ईमान हमें ये भी बताता है कि बहुत से काम हम इस दुनिया में करेंगे, हमें यहाँ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, हमने पीयर प्रेशर में आके गलत काम नहीं करना, उसका रिवॉर्ड आखिरत में मिलेगा इंशाल्लाह, वहां जाके इन्वेस्ट हो रहा है। फिर आप देखें कि अमले सौले, बहुत से लोग टाइम के बारे में सोचते हैं, हर शख्स अपना एक क्राइटेरिया रखता है कि मैं समझती हूँ या मैं समझता हूँ कि इस टाइम को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो अमले सौले जो है ना, उसके लिए सिर्फ दो हमारे पास बेंचमार्क हैं, ठीक है, कि वो आप करेंगे तो आपकी टाइम मैनेजमेंट एज अ मुस्लिम बेहतरीन होगी। वो क्या है, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस, कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या गाइडलाइन दी, उन कामों में आप अपना टाइम लगाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमली तौर पे कैसे करके दिखाया। बिल्कुल सही।
तो ये आपकी दुनियादारी जो है उससे जरा आप साइड पर ही रहे। आप देखिए दुनियादारी उसमें आ जाती है, लेकिन उसका एक एंगल थोड़ा सा या डायमेंशन समझ लें चेंज हो जाती है। लेकिन लस्ट और हरस और हवस के साथ जब हम भागते हैं तो उसका कोई एंड नहीं है, नहीं है। और उसमें आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। अच्छा, फिर दो चीजें देखें कि लोगों के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन है कि हक और वतवासव बिल हक वतवासव बिल सब्र। हक क्या है कि आपने सिर्फ खुद ही सही काम नहीं करना, लोगों को भी गाइड करना है। ये जो एक तरीकाकार होता है ना कि भाई मुझे क्या, मेरी अपनी जिंदगी, उसकी अपनी जिंदगी, नहीं, लोगों को भी आप खैर की बात बताएं कि आप जो चाहे करें, जो मर्जी करें, ठीक है। आप उसके बाद उसको आप फोर्स नहीं किसी को करें, लेकिन एक चीज बताएं तो सही, अवेयरनेस तो क्रिएट करें, लोगों को समझ तो आए, गाइड तो करें, समझाएं तो सही। और लोगों में सिर्फ यही नहीं कि बाहर की जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, अपने घर में हैं, बच्चे हैं, और जो जो आपने भी रैयत की बात की है, जो आपकी रैयत आती है उसके, उसको आप खास तौर पे जो इर्द गिर्द के अपने लोग हैं उनके आप कॉन्सेप्ट सही करें और उनको इस बात की अवेयरनेस दें कि हमने जो काम भी करना है सही मेथडोलॉजी से करना है। और सब्र, अच्छा सबर के साथ क्या होता है कि सबर बेसिकली जो टर्म है, अगर हम उसका रूट वर्ड देखते हैं ना, तो उसका मतलब होता है जम जाना। बच्चे गेम खेलते हैं ना, फ्रीज, जो कर रहे हैं वही जम गए। तो सबर बेसिकली एक बड़ी डायनेमिक क्वालिटी है। सही, उसमें क्या है कि आप जो भी आपकी यानी आपके रिएक्शन है, गुस्सा है, फ्रीज, ठीक है, गलत बात करने लगे, फ्रीज। इसी तरह अच्छे कामों में कैसे फ्रीज होंगे कि कोई भी इर्द गिर्द जो मर्जी आपको कुछ कह रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये सही काम है, ये कुरान में है, ये हदीस में है, ये मैंने करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों का इससे क्या उसके बारे में ओपिनियन है या चीज है। ये आपकी बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये कि बहुत खूबसूरत एक कॉल है इमाम राजी का जो कि सूरत अल असर के बारे में है, और वो कहते हैं कि मैंने सूरत अल असर का मतलब एक बर्फ फरोश से समझा। अब वो कहते हैं कि जो बाजार में आवाजें लगा रहा था, रहम कर शख्स पे जिसका सरमाया घुला जा रहा है। मुझे इतनी प्यारी ये चीज लगती है कि वाकई हमें अपने वक्त के बारे में कोई डेस्परेट फीलिंग नहीं होती। हम कई दफा कहते हैं कि क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, बस वैसे ही वक्त पास करना या टाइम पास करना है, मुश्किल हुआ टाइम किल करना है। अब क्या है, वी हैव टू किल टाइम, क्या करें क्या करें। जी, वही ना, एक गलत एक्टिविटीज में बस पड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं। हालांकि आप देखें कि अक्सर लोगों का फिर ये मसला है कि जब वो सारा वक्त गुजर जाता है फिर कहते हैं कि ओहो मैंने तो ये करना था, मुझे तो याद नहीं रहा, मैंने सोचा नहीं। और हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इब्ने आदम के दोनों कदम उसके रब के पास से नहीं हटेंगे जब तक कि वो पांच चीजों के बारे में जवाब ना दे दे। उम्र, जवानी, जो उम्र थी उसके में क्या किया, जवानी कहां गुजारी, पीक आपका जो प्राइम टाइम है, फिर आपका माल, फिर आपका माल कहां से कमाया, कैसे खर्च किया, ये सब वक्त से रिलेटेड चीजें हैं। इल्म कितना हासिल किया और उस पर कितना अमल किया, तो ये सब सवालों के जवाब हम सबको देने हैं। तो फिर हम इसके बारे में हमें सोचने की बहुत सख्त जरूरत है। और मुझे हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बहुत ज्यादा इस मामले में अपील करती है कि आप देखें कि उन्होंने अपने टाइम की डिवीजन इस तरह की हुई थी कि वो अपने घर वालों को भी दे रहे हैं, मामलात में भी दे रहे हैं, इबादात भी। हमारा तो होता है कि हम अगर मामलात में पड़ गए, शादी आ गई तो नमाज छूट गई, या ये कि कोई और ऐसी चीज आ गई तो आजकल तो मैंने एक और फितना देखा है कि इफ्तारी कर रहे हैं तो रोजा नहीं रखा कि वो खाना टेस्ट करना होगा। अच्छा, इस तरह की भी बहुत सी। जी जी, वेरी गुड। तो मुझे लेटेस्ट उसका नहीं पता, ये भी एक है कि जी बहुत सारे लोग इफ्तारी है तो थक जाएंगे। तो आप ये देखिए ना कि आपने वो चीज जो कि करने वाली थी उसको नहीं किया, लेकिन एक बैलेंस स्ट्राइक करना इसमें जरूरी है। सही। अच्छा, अब जब ये हम सारी बातें कर रहे हैं, अब जिन लोगों का ये मसला होता है ना डॉक्टर कमल, वो कहते हैं हाँ ये सारी बातें ठीक है लेकिन उस दौर के मसाइल इस तरह के तो नहीं थे ना। आप देखे ना, अगर हम काम नहीं करेंगे, घर का किराया कौन देगा, बच्चों की इतनी फी है वहां पे, कैसे हम सारा कुछ करेंगे। अब हम ये काम करें या वो काम करें, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। सो हाउ टू, हाँ उसमें प्रैक्टिकल कुछ एस्पेक्ट्स, एक तो ये कि प्लानिंग, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट में वो लोग कामयाब होते हैं जो कि अपनी हर चीज को प्लानिंग के साथ करते हैं। सही। एक होता है कि आप होते हैं रिएक्शनरी, एक होता है आप होते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्शनरी क्या है कि एक हंगामा हो गया, अब आप क्योंकि जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब एकदम कोई क्राइसिस आया, आप पागल हुए हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। एक होता है कि आपने पहले से फोरसी किया, मसलन अब रमजान है, हमें पता है कि हमें अपने कपड़े बनवाने हैं, बच्चों के बनवाने हैं, गिफ्ट्स लेने हैं। अब अपनी टाइम मैनेजमेंट को इस तरह करें कि दिनों को डिवाइड करके जिस जिस दिन टाइम है जाएं उसमें एक घंटा दो घंटा, कि आपका रोजा भी खराब ना हो, इबादत भी खराब ना हो,
और साथ साथ लिस्ट बना के अपने काम करते जाएं, ताकि जब तक ईद का दिन आता है और आखिरी अशरा आता है आपको कोई मसला ना हो। इसी तरह बच्चों के एग्जाम्स हैं, उन्हीं दिनों में कोई और ऐसी घर की कोई एक्टिविटी आ जाती है, तो आप 2 महीने